सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। निलंबित सांसदों से मुख्यमंत्री ने फोन पर बात भी की। सीएम ने कहा कि जो किसानों को जानते ही नहीं हैं, वे कैसे किसानों का मुद्दा समझ सकते हैं। विपक्ष को और लोकतंत्र को बुलडोज किया गया, संसद को बुलडोज कर लोकतंत्र की हत्या की गई। किसान खेती ना कर पाए, किसानों की हत्या के लिए किसान बिल लाया गया है। देखिए जो हुआ है फार्मर्स को बिल को लेकर, ये देश के लिए इससे ज्यादा खतरा और कुछ में नहीं हुआ। जो लोगों को पास खेती करने का आदत ही नहीं है, जो खेती को पहचानता नहीं है, किसान को पहचानता नहीं है, वो खेती का बात कैसे समझे। बीजेपी ने जैसे फोर्सफुली कॉल पार्लियामेंट में वोट अलाउ नहीं किया, डिविजन मांगने का बात भी वोट नहीं करने दिया और अपोजिशन को पार्टी को पूरा बुलडोज किया है, लोकतंत्र को बुलडोज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज किया है, राज्यसभा को बुलडोज किया है, संसद को। एक तरीका ठीक नहीं है, इसको लोकतंत्र को हत्या कर दिया है। और जो किसान लोग देश के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो खाना जिसको से खेती से खाना लेकर हम लोग खाना खाती है, ये जो काम कल बीजेपी ने किया है, देश के लिए बहुत शर्म का बात है, बहुत एक बहुत लज्जा का बात है। हमको सबसे खराब लगता है जब बीजेपी देखते हैं उसको नंबर नहीं है, वो नंबर में हार जाएगा तो वो क्या किया, उस सबको सस्पेंड कर दिया। क्या सस्पेंड कर दिया इसी के लिए, जैसे अपोजिशन लोग किसान का बात नहीं कर सके, मजदूर का बात ना कर सके, स्टूडेंट का बात ना कर सके, जीएसटी का बात ना कर सके, जो हमारा गरीब जनता है उसका बात ना कर सके, इसी के लिए सस्पेंड कर दिया। जैसे कि मेंबर उसको पक्ष में रहे, जो उसको खिलाफ में है उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात है, हमको जान के तज्जुब हो गया है। हम देखा लेबर बिल, वो भी लेबर बिल भी आ रहा है, इसमें कहा गया है कि 300 लेबर जिधर में काम करते हैं उसमें जिसको मर्जी होगा, अगर उसका मैनेजमेंट उसको हटा दे तो उसको लेबर कुछ नहीं कह सकता है। 300 वर्कर जिधर में काम करते हैं 300 तक, उधर में कोई इंसानियत का कोई इंसाफ ही नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, आपने देखा कि जी लेकर हम लोग कैसे आवाज उठाते, नहीं सुना, जी एग्जाम लेके, नीट का एग्जाम लेके भी हम लोगों ने आवाज उठाया था, उन्होंने नहीं सुना। और बात पे खाली झूठा कहते हैं, खाली फेक न्यूज करते हैं, खाली दंगा फसाद करते हैं, सबको खिलाफ में केस देते हैं और सबको मुख बंद करने के लिए ये बीजेपी का जो तरीका निकाला है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।